उत्तर प्रदेश में सत्ता का महाभारत जोरों पर है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर कयासों का बाजार गर्म है। राज्य में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के हवाले अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर कभी राहुल गांधी का तो कभी प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम उछल रहा है। हालांकि पार्टी इन दावों को खारिज कर रही है। आज तक प्रियंका जी और राहुल जी की बात है, वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के चेहरे नहीं है, ना ही उसके कैंडिडेट हैं और ना ही उनका वो लेबल है। लेकिन राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की माने तो उनके विरोधियों की सारी कवायदें नाहक हैं। उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री वही बनने जा रही है। इसके पीछे मायावती की अपनी दलील है। उत्तर प्रदेश की जनता यही कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को जल्दी सही रखना है, उत्तर प्रदेश को अपराध से बचाना है, तो बीएसपी की ओर से मायावती को ला। सवाल ये है कि क्या मायावती सिर्फ अपने बूते सत्ता में आने में कामयाब होंगी या एक बार फिर बीजेपी से उनका तालमेल होगा, जिसके साथ वो पहले भी सरकारें बना चुकी हैं। उधर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लगता है कि पार्टी मोदी लहर पर ही दांव खेलेगी। और हमारा निश्चित मानना है कि जब हम जनता के लिए काम करेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे, तो जनता का विश्वास और भरोसा हम पर होगा और उसी भरोसे के बल पर हम 2017 में सरकार बनाएंगे। बीएसपी उम्मीदवारों की लिस्ट काफी पहले जारी कर चुनाव की जमीनी तैयारी में पहले से जुटी हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके दावे को खारिज कर रही है। उत्तर प्रदेश में 4 वर्षों में लगातार जनहित में काम हुए हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और अब तो कांग्रेस पार्टी भी, जनता के हित की बात सिर्फ बोलना चाहती है, बोलने लगी है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में एक कार्यकाल बीएसपी का तो एक कार्यकाल एसपी का रहा है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस भी नई ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी खास मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।